और अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में हुई रक्षा साझेदारी पर चीन ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। बीजिंग ने तीनों देशों को जवाब देने के लिए व्यापारिक नीति को ढाल बनाया है। 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए ऑकस नाम से डिफेंस डील की थी। अब ड्रैगन ने तीनों देशों के खिलाफ इसका काट निकाला है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिति मजबूत करने के लिए सीपीटीपीपी सौदे में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगर चीन इसमें शामिल हो जाता है तो प्रशांत महासागर के जरिए होने वाले व्यापार पर उसका एक छत्र राज हो जाएगा। चीन सीपीटीपीपी समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद उसकी जगह हथियाना चाहता है। अमेरिका ने इस पार्टनरशिप की स्थापना चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए किया था, लेकिन 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे बाहर होने का फैसला लिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।